So student, your chapter was, I'll give the concept of this linear equation in two variable. Linear equation in two variables. Here student, before starting this linear equation in two variable, I want to discuss the term equation. You all know about the equation. Simple language, very simple language. Equation means a term which has two balanced sides, two equal sides. Clear? You see, आप लोग देखते हैं जब हम लोग बाजार जाते हैं, जब मार्केट में जब वो तोल तराजू आपने देखा होगा सब्जी वाला, एवरीवेयर यू कैन सी. आजकल तो खैर आप ये वाली इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं, पर सब्जी वाले के पास रहता है. सो यू सी दैट थिंग, वो आपको बैलेंस पूरा इक्वल, इधर 2 kg बाटा रखेगा, इधर आपका पोटेटो रखते जाएगा और बैलेंस हो जाएगा, देन यू परचेस. द सेम कंडीशन इन मैथमेटिक्स ऑल्सो, वहां यदि बैलेंस कर रहे हैं तो हियर ऑल्सो वी टेक डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन एंड वी इक्वेट कंडीशन. सो मे बी आई हैव वन कंडीशन दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 7. सो दिस आई कैन से दिस इज इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन. So equation has two balance side. A condition, a statement which has two balance side is called the equation. Now in this equation, in this term, you observe one more word they use, two more word they use. That is regarding the variable. Can you? कोई मुझे variable के बारे में बताएगा? कोई मुझे बता सकता है कि variable आप लोग क्या समझते हैं variable से? Variable को हिंदी में वेरिएबल को चर कहते हैं, चर और अचर. ठीक है, तो चर राशि के बारे में कोई बताएगा और वेरिएबल क्या? हाँ यस प्लीज बेटा. सर वेरिएबल मींस होता है सर, जैसे जो इस इक्वेशन में सर आपने लिखे हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, सर जो इसमें x और इक्वल टू 7 लिखा है सर, x और 7 वेरिएबल्स है. x और 7 वेरिएबल है. मैं कोई इनको क्रॉस कर सकता है क्या? इज ही राइट ये बच्चा इनने जो आंसर. बेटा प्लीज गिव मी योर नेम, प्लीज आपका नाम बता जिनने मुझे अभी आंसर दिया. श्रेयांश सोनी. ओके श्रेयांश, तो श्रेयांश ने जो बोला, इस श्रेयांश के आंसर में थोड़ा सा करेक्शन करना कोई करेक्ट करना चाहेगा क्या? श्रेयांश का कहना है कि इस इक्वेशन में श्रेयांश राइट है, पर थोड़ा सा कहीं की करेक्शन करना चाहिए. वो बोलता है कि एक्स और सेवन ये दोनों बोले, तो कैन यू करेक्ट इट? एनी करेक्शन सर? मैं बताऊं? हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ सर. जो हिंदी में बोलते हैं जैसे अंक जो होते हैं ना उसको हाँ? चर बोलते हैं, और जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं उसको अचर. अच्छा अच्छा ठीक ठीक. जैसे इसमें एक्स है वो अचर है, और हाँ? जो 5 और 7 है वो चर है. अच्छा अच्छा ठीक. ये बच्ची ने जो डेफिनेशन आप यहाँ पर दिया है एकदम बराबर दिया है इसने. देखिए सो वेरिएबल्स आपके यहाँ पर होते हैं. बेटा एक चीज आप करेक्शन करना, आप जो बोल रही है ना कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट जो होता है आपके यहाँ पर, ये आपके यहाँ पर इसमें देखो चर मतलब चलायमान है ना. वेरिएबल्स मींस विच कैन वेरी, विच वेरी जो चेंज हो जाए. एक चीज दिमाग से निकाल देना कि बच्चों के दिमाग में रहता है कि वेरिएबल मतलब ऑल अल्फाबेट्स आर वेरिएबल. पर स्टूडेंट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, जैसे इवन साइंस में जब पढ़ते रहेंगे आप 11 12 में जाएंगे, तो कई बार आपके यहाँ पर देखेंगे कुछ कुछ अल्फाबेट आपके यहाँ पर, उन अल्फाबेट्स को भी वो लोग वेरिएबल जो में कन्वर्ट करने लग जाते. जैसे आप यहाँ पर देखते हैं फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं एफ इज प्रपोज, आप यहाँ पर बोलते हैं फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए वर्ड यूज करते हो आप यहाँ पर. यहाँ पर आप बोलते हो एम इज कॉन्स्टेंट, एम को आप कॉन्स्टेंट बोलते हो, इसको नियतांक बोलते हो. जबकि यहाँ पर अपने दिमाग में क्या बैठा हुआ कि अल्फाबेट्स को अपन लोग वेरिएबल बोलना चाहिए, सारे अल्फाबेट वेरिएबल होते हैं. सो प्लीज कीप दिस पॉइंट अपने दिमाग में ये डाल लें. वेरिएबल उसी को बोलते हैं अ क्वांटिटी, मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ, अ क्वांटिटी विच कैन चेंज इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. अ क्वांटिटी विच चेंज इट्स वैल्यू, which change its value according to condition. ये सब पर इसी पर डिपेंड है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन. मैं इसको हिंदी में बताता हूं,
एक ऐसी राशि जो अपनी वैल्यू अपने मान को कंडीशन के समय के हिसाब से बदलती हो, ठीक है, पर जिसकी वैल्यू समय के हिसाब से बदलती जाए उसको हम चर राशि कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल। वेरिएबल कैन चेंज इट्स वैल्यू। अब देखिए आप यहां पर देखें, अपन को टेम्परेचर की बात करते हैं, अपन मॉर्निंग में देखते हैं टी की वैल्यू कुछ और, टेम्परेचर कुछ और रहता है थोड़ा, और आफ्टरनून में देखो, फिर आप देखो तो टाइम के हिसाब से यहाँ पर चेंज हो रहा है। प्राइस की बात करें, है ना, प्राइस की बात करें तो वो भी आपकी वेरिएबल में आपके यहाँ पर जाएगी। प्राइस में क्या होता है, आज कुछ किसी सब्जी का भाव आज कुछ और है, कल कुछ और है, हो सकता है दो तीन दिन एक ही रहे पर उसके बाद भी चेंज आएगा, हाइक होगा, हो सकता है फिर डाउन हो जाए, हो सकता है फिर चेंज आए, मतलब जहां पर वेरिएशन दिखे इसका नाम ही है वेरिएशन। वेरिएबल में विच कैन चेंज इट्स वैल्यू, वेरी चेंज को वेरी भी बोलते हैं हम लोग अगर, क्लियर। तो वेरिएबल्स में ध्यान रखना, अ क्वांटिटी विच चेंज इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आर कॉल्ड, इज कॉल्ड वेरिएबल। एंड वेरिएबल्स जनरली आप बिल्कुल सही है जो आपने डेफिनेशन में आप बोलते हो कि एक्स को वेरिएबल बोल सकते हैं। वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट, हम इनको इंग्लिश अल्फाबेट से वेरिएबल्स को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनों को जब भी आता है एक्स वाई जेड पी क्यू हम लोग लिखते रहते हैं, वी यूज टू राइट, क्लियर। ये सब के सब वेरिएबल में आते हैं, सही है, एकदम सही है, परंतु आप यहाँ पर ध्यान रखना कुछ कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टेंट का काम भी करेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, वो नियतांक का काम भी करेंगे, नियत राशि रहेगी वो राशि कभी बदलेगी नहीं। सो दिस वन पॉइंट, एनी कंफ्यूजन वेरिएबल को लेकर, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्रॉस मार सकते हैं, क्लियर बेटा। हेलो, आप मुझे, यस सर, यस सर, हाँ, क्योंकि ना थोड़ा सा अपन दोनों की इंटरेक्शन होती रहेगी तो थोड़ा मुझे रिस्पांस मिलेगा, तो समझ में आएगा कि मैं कहीं बराबर पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आपको, मुझे भी थोड़ा ठीक लगेगा ना बेटा। अब वेरिएबल का काम खत्म हो गया, टू वेरिएबल तो चलो टू वेरिएबल आ जाएगा, अब बात बची लीनियर की, चलिए। सो डियर, इसकी डेफिनेशन भी आप बताए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लीनियर, व्हाट इज द लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन, चूंकि पढ़ा है थोड़ा बहुत पढ़ा है आप लोगों ने, लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल अभी तो बोलता हूँ, व्हाट इज, हाउ कैन यू डिफाइन लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक, रैखिक समीकरण, हाँ वो लीनियर इक्वेशन हो गया बेटा। रैखिक बहुपद जो होता है, पॉलिनोमियल बहुपद ही होता है ना, तो रैखिक बहुपद जो आपका पर होगा, एक पदी द्विपदी बहुपदी जो होता है ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, तो इसकी डेफिनेशन कोई बताएगा रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद की और लीनियर पॉलिनोमियल, बेटा ट्राई करो, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कोई शर्माने वाली बात नहीं, आप बिल्कुल बोले, गलत बोलोगे तो ही सीखोगे, जितनी गलती करोगे उतना ही सीखोगे, आप बताओ मैं। सर जिसकी डिग्री 1 होती है। वेरी गुड, आप बोले अपना नाम बोले। तनिषा यादव। ओके तनिषा, इफ डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की खासियत होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, जिस पॉलिनोमियल की घात, जिस पॉलिनोमियल की पावर 1 होती है उसको हम लोग यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax plus b is equals to c, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्लियर बच्चा, एनी कंफ्यूजन टू एनी वन, लीनियर पॉलिनोमियल आप कहां पर रहेगा, सॉरी आई एम सॉरी, पॉलिनोमियल वर्ड यूज कर रहा हूं तो फिर मुझे ये नहीं लिखना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल जो आप कहां पर रहेगा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax plus b, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब देखें डिग्री कैसे पता लगाते हैं आपको मालूम है पॉलिनोमियल की, कोई बताएगा मुझे, हाउ कैन यू फाइंड डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ आप लोगों ने, मैं ये चैप्टर ताकि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से तो मैंने इसलिए पहले इसको उठाया, तो कोई बताएगा मुझे डिग्री कैसे निकालते हैं, एनीवन प्लीज। एक्स की वैल्यू 1 रखती है। नहीं बच्चे डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, डिग्री यहाँ पर तो शायद 0 डिग्री होगा। नहीं बताता हूँ, 0 डिग्री नहीं होगा, इसकी पावर देखिए ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर या कुछ नहीं
ध्यान रखना यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इट मीन्स वन, जीरो नहीं बोलेंगे बेटा। जीरो कब होगा, जैसे क्लियर कट लिखा हो एक्स रेस टू दी पावर जीरो, ध्यान रखना कॉन्स्टेंट टर्म यदि होता है ना, तो कॉन्स्टेंट टर्म को यदि आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में, जब पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा जीरो पॉलिनोमियल कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल को उसको एक्सप्रेस कर देंगे अपन। तो यहाँ पर जहां जब भी पावर में कुछ नहीं, जब भी घात में कुछ नहीं हो उसका मतलब वन होता है ना आपको। जैसे कोई मुझे बोलेगा कि x प्लस फाइव इसका कोएफिशिएंट, इसका मल्टीपल क्या, इसका मल्टीपल मैं बोलूंगा वन, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो पहली चीज तो जीरो वाली चीज तो क्लियर हुई। अब मुझे बताए, कोई बताएगा बंदा, किसी को मालूम हो कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिसाइड होती है, हाउ यू कैन डिसाइड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा सा रिकॉल करते चलेंगे पॉलिनोमियल, तभी अपन इस इक्वेशन के अंदर घुस पाएंगे। बोलो कोई, जैसा जो याद हो बेटा वो बोलो, फिर मैं उसको और क्लियर करूंगा। बेटा क्वाड्रेटिक दैट इज वन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, वो एक टाइप पॉलिनोमियल की टाइप हो जाती है मोनोमियल। नहीं वो मोनोमियल टर्म होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन के पहले थोड़ा सा ये बताना जरूरी है, जब भी डिग्री तक आऊंगा डिग्री से मैं आपको लीनियर पे ले जाऊंगा और लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन पे लाऊंगा और जब जाके अपने गाड़ी चालू होगी। देखो बच्चे मैं आपको बताता हूँ पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, पहले एग्जांपल लेता हूँ फिर डेफिनेशन घुसा होता है आपके दिमाग में। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस फाइव, एक पॉलिनोमियल हो गया। अनदर पॉलिनोमियल आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ एक्स रेस टू द पावर फाइव प्लस एक्स रेस टू द पावर टू प्लस एक्स रेस टू द पावर थ्री, एक लिख देता हूँ एक्स प्लस फाइव। अब आप सब जगह देखो पॉलिनोमियल की डिग्री की डेफिनेशन होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की सबसे बड़ी घात को, जो आपके यहां पर जो वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल की सबसे बड़ी घात को ही हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं, सबसे बड़ी घात को। तो यहां पर एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, थ्री। फिर यहां पर एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, टू। गुड, वेरी गुड। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, टू हो गई। यहाँ पर इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या, फाइव। इसकी डिग्री, वेरी गुड। यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, वन। मतलब आपके दिमाग में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल घुस गया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अब समझ में आया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स की हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। और एक ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर वन होती है, या एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात एक हो, इफ द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज वन, सो सच टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आर कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें लीनियर पॉलिनोमियल, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट लीनियर पॉलिनोमियल का? Yes, sir. अब आपके दिमाग में लीनियर पॉलिनोमियल यदि बैठ गया है तो लीनियर इक्वेशन बैठने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि इक्वेशन हैज टू बैलेंस साइड। तो लीनियर इक्वेशन का जो आप पहले बोल रही थी बच्ची, तो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लीनियर, तो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा ये। yes, होती है ये आपकी वन डिग्री वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। पर इस बार बोर्ड ने बोला कि चलो बच्चों को सब आने लग गया है, वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन उनको आ गई है, तो क्यों ना हम उनको टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन समझाएं। तो आपको टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है, तो अपने को टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा वो होता है ax plus by plus c is equals to zero। हालांकि आपको अभी याद होगा क्लास नाइन्थ में, बेटा किसी का जिसका माइक है ना, तो माइक को म्यूट कर लो, क्रॉस कर सकते, यू कैन आस्क, माइक ऑन कर लेना। आपने नाइन्थ क्लास में उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है टू वेरिएबल का, एक हल्का सा उसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एक एक्सरसाइज में है हार्डली शायद, तो ax plus by plus c is equals to zero, पर वहां पर आपको क्या होता था स्टूडेंट,
आपको एक ही इक्वेशन देता था वो, और उस एक इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो एक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इनफाइनाइट आएंगे आंसर, तो इसको बोलते हैं टू वेरिएबल, क्योंकि दो वेरिएबल है। ऐसा नहीं सोचना कि दो वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल भी होते हैं, वेरिएबल्स आपके 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल, काफी वेरिएबल हो सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो कंडीशन पर आपका, जैसे आपकी कंडीशन सिचुएशन उसको एक्स बोल दिया, दूसरी सिचुएशन को वाई बोल दिया, तीसरी सिचुएशन को जेड बोल दिया, और बनाते रहे तो वेरिएबल बढ़ता। अभी तो खैर फिलहाल तो अपन लोग टू वेरिएबल की बात करेंगे। तो बेटा इक्वेशन जो होता है टू वेरिएबल का, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्लास 9 तक आप लोगों ने यहां पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल आपको पीछे ले जा रहा हूं क्लास 9 के अंदर, जिससे मुझे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 बोला, उससे बोला फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है क्या, एक बार देखा हुआ है 4 सॉल्यूशन निकालते थे आप एक ही इक्वेशन के? यस सर। चलिए अच्छी बात है, तो इसके 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करते थे, वाई या एक्स के वैल्यू को उधर ले जाते थे, 1 2 3, है ना? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूट करते जाते थे, एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई आपका आ गया 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, फिर अपन एक्स की वैल्यू 2 रख देंगे तो वाई हो जाएगा 7 माइनस 2, ये हो जाएगा 5, देन यू एक्स इक्वल टू 3, तो वाई इक्वल टू क्या जाएगा 7 माइनस 3 4, है ना? फिर इसको ग्राफ पर बनाते थे। हाँ, इसको ग्राफ पे बनाते थे। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, यदि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, यदि सिर्फ एक इक्वेशन दियो, मैं अभी 2 की बात करूंगा आपका, 3 तक फल तो कंफ्यूज नहीं करता, अपन मिलेंगे क्लास 11th में देखेंगे उसके लिए। तो x plus y is equals to 7 यदि दिया, यदि 2 वेरिएबल की सिर्फ एक ही इक्वेशन है, तो रिमेंबर यू कीप दिस पॉइंट, क्लास 9 पे पढ़ा था पर एक आपको रिकॉल करवा रहा हूं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनंत सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि यहां पर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x यू हैव, फॉर एवरी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, सॉरी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x यू हैव करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, x की हर वैल्यू के साथ आपको y की एक संगत वैल्यू मिलेगी। ये माइनस में भी आ सकता है? हाँ, इसको कुछ भी, मैंने बोला ना रियल नंबर, ये रैशनल इरेशनल, आप तो ये बोल रही हो यदि मैं इसकी जगह, मेरी इच्छा हो कि y is equals to 7 minus, ये जो x है इसकी जगह रूट 2 रखने की इच्छा है, इरेशनल, तो मेरा आंसर ये आएगा, when x equals to under root 2, my answer is this। ये बात अलग है कि अपन इसको बनाना मुश्किल है अपने लिए, पर आप रख सकते हो x, remember here x and y are real number, वास्तविक संख्या, ये x और y कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसमें वो नहीं है, बस ये अपने को देखना होगा कि भाई नंबर्स आपका, यहाँ पर आप टेंस नहीं हो ना इसके लिए, बस मेन चीज तो ये बोल रहा हूँ कि यदि एक वेरिएबल टू वेरिएबल की यदि एक ही इक्वेशन दियो, सो रिमेंबर यू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, यू हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, आपके पास अनंत उसके हल होंगे। ठीक है, एक इक्वेशन होगी, तो ये तो क्लास 9 तक अपन ने देख लिया था। मैथमेटिशियंस ने सोचा कि बच्चों को क्लास 9 में 1 वेरिएबल पढ़ लिया है, सो व्हाई डोंट, आपने देखा होगा आपके चैप्टर के नाम में उसने आगे, और मैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिया है, चैप्टर के नाम में उसने आगे क्या बोल दिया, वेरी गुड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसने दो दो के पेयर बनाए, दो दो इक्वेशन का एक पेयर बनाया, तो आपको दो इक्वेशन रहेगी, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x। अच्छा हाँ बेटा, एक चीज और कि आपको जैसे कुछ डाउट वाउट हो ना, तो आप यदि बाय चांस किसी का माइक का डाउट भी हो, रख किसी माइक का प्रॉब्लम हो, तो आप किसी फ्रेंड को, एक ग्रुप, क्योंकि मेरा फोन क्या ओपन में एक्चुअल में ऊपर है, लटका हुआ है, और मैं इधर नीचे हूँ, तो मैं जैसे आपके चैटिंग वगैरह नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना? तो आप मुझे, कोई भी दूसरा फ्रेंड बोल दे कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको नहीं आ रहा है, तो आप क्रॉस कर देना, तो आप स्टेप से कर, एक दूसरे की हेल्प करके मुझे बताते रहना। ठीक है, क्लियर? ओके सर। ओके बच्चों, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन,
a1x plus b1y plus c1 equals to 0. इसको अपन लीनियर इक्वेशन आपके यहां पर दो दो के जोड़े में रहेगी आपके यहां पर, ठीक है, ये आपके यहां पर दो दो के जोड़े में रहेगी. तो इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब देखिए उन लोगों ने तो लिख दिया, यहां ध्यान रखिएगा x का कोएफिशिएंट पहले वाली इक्वेशन में a1 b1 c1, यहां पर सॉरी पहले पहले तो ध्यान रखना a1 a2 b1 b2 c1 c2, ऑल दीज आर रियल, ये सबके सब रियल नंबर है बेटा, ऑल दीज आर रियल नंबर, सबके सब वास्तविक संख्याएं है ना, ये रियल नंबर होते हैं आपके यहां पर. तो बिल्कुल डरना नहीं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, यदि यहाँ पर रूट आ जाता है 1/2 आता तो आप लोग बहुत घबराने लगते हो. सबसे बड़ा स्टूडेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही कि कभी इक्वेशन सॉल्व करते हो तो कहीं रूट दिखा, कहीं माइनस साइन दिखा, कहीं स्क्वायर दिखा, कि आप लोग परेशान होने लगते हो. बिल्कुल परेशान. आपको देखिए, आप सबको जोड़ना आता है, सबको एडिशन आता है, आप सबको घटाना आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, आप सबको गुणा करना आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, आपको भाग देना आता है, डिविजन आता है, आपको एलसीएम लेना आता है, लघुत्तम लेके हल करता है ना, जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं 4/5 + 9/2, ऐसे को सॉल्व करना लगभग सबको आता हो. जिसको नहीं आता है तो बिल्कुल मैं वापिस से बोल रहा हूँ बेटा, बिल्कुल नहीं शर्माना कि नहीं सर ये, यदि क्लास के 40 बच्चों को भी आ रहा हो, 41वें बच्चे को नहीं आ रहा तो आप पूछे कि सर इसका एलसीएम कैसे, क्योंकि आप शर्माएंगे नुकसान आपका है बेटा, अपन दूर ही बैठे हैं है ना. तो आप बिल्कुल पूछे कि सर इसको कैसे एलसीएम लेते, प्लीज मुझे समझा दे, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है. तो यदि ये चार पांच चीजें मैथ्स में भी आपको आती है ना, प्लस मतलब फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनको फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं, FMO बोलते हैं. फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिविजन. ये आ गए, मतलब उसको मैथ्स से डर लगना ही नहीं चाहिए, उस बच्चे को कुछ भी डर नहीं लगना चाहिए है ना. तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना. तो A1, तो मेरा कहना है कि रियल नंबर से मुझे याद आया था, क्योंकि यहाँ पर इरेशनल भी कई बार मिलेगा आपको, तो डरना नहीं, √2 √5 मिलेगा, आप बिल्कुल नहीं डरेंगे उससे, ठीक है. तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, ऑल दीज आर रियल नंबर, ये रियल नंबर आपके हो सकते हैं. तो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी. अब इनको अपने को सॉल्व करना है. हम देखेंगे इसको सॉल्व करने के कैसे तरीके होते हैं. तो हम जब यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, तो ये जो सॉल्यूशन इसके निकलते हैं, क्योंकि आपने पेयर बोला है इसको, हाँ एक चीज ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोलता है. सॉल्व, आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में लिखता है या बुक में भी लिखता है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्लियर, मतलब जो इनका एक ग्रुप है इक्वेशन का, इनको आपको सॉल्व करना है. पर सॉल्व कैसा करेंगे, दैट सॉल्यूशन शुड बी कॉमन. जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, कॉमन सॉल्यूशन आएगा. ऐसा नहीं होगा जैसे पिछली इक्वेशन में अपन देख रहे थे, क्लास नाइन्थ में देख रहे थे अपन इस एग्जांपल में, कि इसके ये अकेली इक्वेशन थी, अपने अपने सॉल्यूशन निकाल रही थी, परंतु यदि इसके साथ एक और जोड़ दें, तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, इफ यू हैव वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो एक्स और वाई की वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करेगी, ये चीज ध्यान रखना, इसको भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी सेटिस्फाई करेगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है. तो अपने को इसी पर डिस्कस करना है, मतलब अब देखें तो क्लास टेंथ का एक्चुअल सिलेबस अब अपना शुरू होगा है ना. अभी तो अपने बेसिक थोड़ा सा लिया, तो इसको सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखें. तो सॉल्व करने के पहले एक वर्ड आपने देखा होगा, टीचर ने पढ़ाया भी होगा, आपने एग्जाम में भी दिया होगा, देखा होगा, इसके दो टाइप के सॉल्यूशन रखता है वो, मैं ये वाला मिटा दूं ऊपर का पूरा. When you solve pair of system of equation, so in this case, इसके जो हल आएंगे, हाँ दो टाइप के हल होते हैं, बताए मुझे, किसी को याद हो तो अच्छा लगेगा और नहीं याद हो तो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन. बेटा वो मेथड हो गई,
अपन नहीं, वो भी मेथड हो गई, वही मेथड हो गई, आई एग्री। बीजगणित रूप में, हाँ बेटा, मतलब बीजगणित रूप में और ग्राफी रूप में। अब प्लीज आप बोले, मुझे मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। मतलब दो दो मतलब उस इक्वेशन में सॉल्व करेंगे बीजगणित रूप में और ग्राफ में। हाँ वो तो आएगा, वो सब उसके अपन जिसको बोल सकते हैं ना मेथड सॉल्यूशन होती है। आप देखें इसके मैं बताता हूँ, याद आ जाएगा आपको। एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और एक इनकंसिस्टेंट होता है। याद आ रहा क्या ऐसा वर्ड यूज हुआ होगा? यस सर। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, दो टाइप के सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में भी देखें आप यहां पर कि अब हम लोग यहां पर देखेंगे। अब आप लोग जो बोले थे ना इसके पहले यूनिक सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन, पहले आपको वहां थोड़ा सा आपके दिमाग में डालूंगा और फिर आपको जो ग्राफिकल और ये जो बोल रहे ना वहां पर लाऊंगा मैं आपको, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट मतलब कि अपनी लैंग्वेज बोले कि जिसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हल नहीं किया जा सकता। इनकंसिस्टेंट में हल नहीं कर सकते हम लोग, मतलब यहां पर क्या होगा, इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आएगा, यहां पर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और कंसिस्टेंट में आप के दो टाइप के सॉल्यूशन आएंगे, बताओ याद हो तो, यूनिक, हाँ अद्वितीय, हाँ यूनिक और अनंत अनेक हल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वेरी गुड, गुड बेटा, यूनिक अद्वितीय हो गया, अनंत और अनेक फल जो बोला इसने, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। पेयर ऑफ इक्वेशन, बाकी ये तीन चार बच्चों के अलावा बाकी जितने ही बच्चे हैं, आपकी रिएक्शन नहीं आ रही, आप भी क्रॉस करें, आप भी पूछते जाएं। आ रहा है बेटा आप लोगों को समझ में? यस सर। कहीं चेंज करना हो तो मुझे बिल्कुल बोल देना सर थोड़ा सा ये वो, तो अपन कर लेंगे। एडजस्ट नहीं करना क्योंकि आप पढ़ रहे हो, है ना, तो आप क्रॉस करें। हाँ बच्चों, तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट के दो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में सिर्फ एक, दुनिया का कोई भी आदमी रामानुज भगवान भी नहीं सॉल्व कर सकता, मालूम, कितनी भी कोशिश कर ले भगवान ऊपर से आ जाए बोले कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, वो आपके हाथ, आप यदि बोलो ना भगवान को यदि आपको फंसाना हो परेशान करना हो तो बोलना भगवान मेरे को ये सॉल्यूशन इसमें एक्स और वाई की वैल्यू ला के दे, तो बोले नहीं बेटा हाथ जोड़े तेरे, तू ही तेरा मैथ्स कर, मैं नहीं कर, है ना। तो यहाँ पर नो वन कैन सॉल्व, है ना, सो दिस इज नो सॉल्यूशन। अब आपको यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन रहेगी, मेनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन रहेगी और नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन रहेगी, इस पर डिस्कस करता हूं। मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताई थी, अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन में कहां जगह, चलो यहां लिख देता हूं, ये थी अपनी a1x b1y + c1 = 0 a2x। हाँ थोड़ी मेरी राइटिंग देखना, मैं बहुत तुम्हारे जैसे अच्छी राइटिंग नहीं आती मेरी, ये सब खराब आने लगी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटा। a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0। हाँ बेटा अब बताएं, किसी को याद हो तो अच्छा लगेगा मुझे, कि अद्वितीय सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है। सर मैं बताऊं? हाँ कोई बता दो सर। जैसे शुरू में जो है a1 / a2 और सेकेंड का है b1 / b2, तो ये जब नॉट इक्वल टू रहेंगे तो यूनिक ये वाला सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल वाला। आप कैन यू एग्री विद दिस गर्ल, अदर्स? यस सर। यस सर। ये बच्ची बोलना चाह रही कि सर आप तो ऐसा लिख दो, मैं इसकी बात सुन लेता हूँ, मालूम नहीं सही है कि गलत है, गलत हो तो आप डिसाइड करो, सही हो तो आप डिसाइड करो, मैं तो लिख दिया राइट, ओके सही है तो मैं भी लिख देता हूँ भैया, ओके बेटा। सो कंडीशन फॉर द यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। चलिए अब मिनी सॉल्यूशन की और कोई बताए अदर देन दिस, अब गर्ल्स का तो बहुत हो गया, बॉयज, अब मुझे कोई बॉयज, अब कोई बच्चा बॉयज में से कोई, मुझे कोई बॉय में से कोई बता मुझे।
हाँ बेटा बोलो ए वन अपन ए टू हाँ इक्वल रहेगा बी वन अपन बी टू और बी वन बी टू अगर इक्वल रहेगा सी वन अपन सी टू के सर वो इनफिनिट सॉल्यूशन रहेगा। आप लोग एग्री क्या? यस सर। देखो भाई गलत सलत नहीं पढ़ना, सही साठ काम चल रहा है, बच्चे ने सही आंसर दिया। ओके वेरी गुड। सो मेनी सॉल्यूशन जो होगा, अनंत सॉल्यूशन जो होंगे इसके, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन, उसमें ए वन अपॉन ए टू बराबर होगा बी वन अपॉन बी टू के, बराबर होगा सी वन अपॉन सी टू के। चलिए अब अपन इस सॉल्यूशन पे भगवान को चैलेंज करते हैं, है ना। ये सॉल्यूशन पे भगवान भी तुमसे डरेगा, तो बताओ भगवान को डराने की क्या कंडीशन है? कोई भी बोलो बेटा, बाकी दूसरों को equals to b1 upon b2, not equal to c1 upon c2, not equals to c1 upon c2, very good। अरे अच्छे बच्चे हो यार, तुमको तो ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है, तुम तो बढ़िया अच्छे हो। हमारा ये वाला चैप्टर हो चुका है। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा बेटा। बस वही तो करना अपने को, जो आप लोग पढ़ लो ना उसका रिवीजन आपका रिकॉल करते जाएंगे तो अच्छा लगेगा। गुड, और ऐसी ही पढ़ाई बना के रखोगे ना तो आप तो एक बहुत अच्छा नंबर लेके आओगे सबके सब। ओके बेटा, सो दिस इज फॉर द सॉल्यूशन। रिमेम्बर वो क्या करता है एग्जाम में, जनरली उसका क्वेश्चन रहता है दो मार्क के लिए, मैंने इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया कि वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पर बात करता है। वो ऐसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ऐसा पूछ लेगा तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। वो बोलेगा फाइंड द वैल्यू, अभी अपन पढ़ने वाले, खैर आपने पढ़ा था नॉलेज आपको, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। वो घुमाता है, नो सॉल्यूशन वर्ड नहीं यूज करेगा, मतलब वो बच्चे का लॉजिक चेक कर रहा है। बच्चे से इनडायरेक्टली उसने एक ये चेक कर लिया कि क्या उसको मालूम है नो सॉल्यूशन की कंडीशन, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो वो एग्जामिनर बच्चे को चेक करता है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देता। डायरेक्ट देगा तो कोई भी बच्चा बोलता है यूनिक कहाँ, चलो ये होता है। कंसिस्टेंट बोलेगा तो उसको कंफ्यूजन वाली चीज हो जाएगी कि यार कंसिस्टेंट में ये आएगा कि ये आएगा, तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करता वो। चलिए ये तो अपना हुआ सॉल्यूशन, इसके यहां पर होते हैं। अब आपने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो दे दिया, इधर तो बाहर हो गया ये, इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो अपन इससे नहीं, अब इनको अपने को सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने की कितनी मेथड है वो अपने को देखना है। मैं रैबिट इसको मिटा दूं, मैं उतार लिया आप लोगों ने? यस सर। दो में? यस सर। नो सर, दो में बेटा। हाँ उतार लो, और थोड़ा सा फटाफट साथ में उतारते जाए ज्यादा अच्छा रहे, उतार लो, कोई टेंशन नहीं। यस सर। ओके ओके। यस सर, उतार लिया। ओके थैंक यू। और अब हम पढ़ेंगे यहां पर अगला जो आएगा, जिसको जो आप लोग बोले थे ना बीज गणित, जो अलग अलग टाइप के प्रकार बता रहे थे, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के हम प्रकार देखें, कितने प्रकार होते हैं, मेथड होता है। सो वी डिस्कस ऑन द नंबर ऑफ मेथड्स। सो आप लोग बोल ही रहे थे, पहली मेथड बोल रहे थे ग्राफिकल, है ना, फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड। ये आउट क्वेश्चन है दोनों बोर्ड में, सीबीएसई एमपी बोर्ड, आप बिल्कुल लिख लो, बिल्कुल लिख लो, मतलब ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन आना है तो आना है। आप इस साल एग्जाम दो, अगले साल एग्जाम दो, उसके अगले साल एग्जाम दो, ये सॉलिड क्वेश्चन होता है बेटा, है ना। मतलब अपने को इसको प्रैक्टिस, जब भी प्रैक्टिस करने बैठे तो यू गो विद दिस, है ना। तो सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड, एमपी बोर्ड, इवन आईसीएसई बोर्ड भी हो, है ना, दे यूज टू आस्क वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड, दूसरे मेथड में भूल गया, चलो आप मुझे याद दिलाओ क्या होती है। अरिथमेटिक। एलिमिनेशन। हाँ, सब्स्टिट्यूशन, सेकंड मेथड एलिमिनेशन, दूसरी मेथड है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट एलिमिनेशन, एलिमिनेशन,
एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, प्रतिस्थापित, ये है प्रतिस्थापन, ठीक है। दिस इज और बेटा जैसे हिंदी में हमको पता है ये मेथड बताइए, जैसे विलोपन विधि भी होती है। हाँ हाँ, विलोपन विधि, विलोपन विधि ये है, एलिमिनेशन मेथड जो बोल रहे ना ये हाँ। अपनी विलोपन हो गई, और एक व्रज गुणन विधि भी होती है। हाँ, व्रज गुणन विलोपन विधि, ये प्रतिस्थापन है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जरा यहां से थोड़ा सा मैं इसको बोलते वज्र गुणन मेथड, ठीक है। तो अब जो बच्चे सीबीएसई वाले आप लोग नॉलेज के लिए पढ़िएगा, ऐसा नहीं, इस मेथड को सीबीएसई स्टूडेंट आप अपने सिलेबस से, इस बार कोविड का जो डिलीटेड सिलेबस है सो उन लोगों ने इसको हटा दिया। अभी स्टेट बोर्ड के इसमें अभी उसने वो नहीं किया, ओपन नहीं, पत्ते अभी खुले नहीं, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में अभी बताया नहीं उसने अभी कौन सा हटा और कौन सा नहीं हटा है ना। तो अभी आप लोग पढ़े, परंतु जो भी होगा, परंतु ऐसा नहीं कि सीबीएसई स्टूडेंट की आपको नहीं दिया है, तो हाँ ये कि एग्जाम में प्रैक्टिस के लिए नहीं करेंगे, परंतु मैं स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए उनके लिए बिल्कुल बताऊंगा आप, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये अपनी यहाँ पर चार मेथड होती है यहाँ पर, ठीक है। अब इनको अपन एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं, एक एक मेथड का मैं एक एक वैरायटी आपके सामने रखूंगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ग्राफिकल मेथड को अपन कल के लिए छोड़ देते हैं, कल आप जब बैठोगे, क्योंकि आज तो अपन सडनली आप बैठे हो, तो आप अपने साथ एक ग्राफ पेपर रखना। तो इसमें क्या 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 सोचते हो आप लोग, ठीक है क्या? इसको अपन कल जब क्लास लेंगे तो मैं कल इस मेथड पे डिस्कस करूंगा, इन तीन मेथड के बारे में एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो क्या ग्राफ आप बनाते जाओगे ना तो ज्यादा ठीक रहेगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हैं आप लोग? बस इस ग्राफिकल में मैं कंडीशंस बता देता हूँ, बस आपको कंसेप्ट नॉलेज आपके दिमाग में डालता हूँ कि यूनिक में कैसा ग्राफ बनेगा, मेनी में कैसा बनेगा, वो आपके दिमाग में डाल देता हूँ, ठीक है। अपन एक एक मेथड को अपन डिस्कस करते हैं। पहली आपके यहाँ पर हो गई ग्राफिकल मेथड। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने क्लास नाइन्थ के अंदर ग्राफिकल मेथड पढ़ी लिया था, इंट्रोड्यूस कर ही दिया था बोर्ड ने कि बच्चे को ग्राफ बनाना। अच्छा, आप लोग ग्राफ जिस प्लेन पर बनाते हो ऐसे करते ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स अक्ष, वाई अक्ष करते हो और फिर ऐसा ग्राफ बनाते हो, तो ये प्लेन का नाम मालूम है क्या होता है जिसके ऊपर आप ग्राफ बनाते हो? इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, आप बताएंगे मेरे को? उस तल का नाम क्या है जिस तल पर आप दोनों अक्षें खींचते हो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब खींचते हो और वहां पर एक रेखा का ग्राफ बनाते हो, तो आपको मालूम है उस तल का नाम? तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेन प्लीज? किसी को याद हो तो बोलो, सोचो, बताया होगा टीचर ने, बताया होगा आपने भी सुना होगा, थोड़ा सा ओवरलुक हो रहा हो, वॉश आउट हुआ होगा। फिर से पूछिए ना। फिर से पूछता हूँ, फिर से पूछता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन लोग वी ड्रॉ ग्राफ ऑन अ प्लेन, एक प्लेन पर जब भी ग्राफ प्लॉट करते हो तो यू ड्रॉ टू लाइंस, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, फिर आपने ग्राफ बना दिया, तो आप जिस प्लेन पर इस ग्राफ को प्लॉट करते हो, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेन, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेन, उस तल का नाम क्या होगा? वेरी गुड, किधर से आवाज है, एक बच्चे ने बोला है, व्हाट इज योर नेम बेटा? कार्टेशियन प्लेन, एक बच्चे की आवाज आई थी, गुड। सो दिस प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन, इसको कार्तिकीय तल बोलते हैं इसको यहाँ पर, क्लियर? सो दिस इज कार्टेशियन प्लेन, सो कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना है ना। ओके, सो
ग्राफिकल मेथड में जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो व्हेनेवर यू ड्रॉ द ग्राफ ऑन द प्लेन, व्हेन यू ड्रॉ, जब भी किसी प्लेन पर ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपने देखा होगा, आपने अभी 5-6 महीने से पढ़ रहे हो तो बहुत इस टाइप की दो लाइन बन रही होंगी। दिस इज एक ग्राफ बना रहा हूँ एक्स एक्स डैश, फिर अपन पढ़ेंगे बाद में, एक आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ। हाँ, ये प्रतिच्छेद कर रही है, एक लाइन इस टाइप से बन रही होगी। फिर एक बार जब ग्राफ आपने बनाया होगा, व्हेन यू ड्रॉ ग्राफ सो यू सी लाइंस आर लाइक दिस, ऐसी लाइन हो रही होंगी, समांतर पैरेलल आ रही होंगी, और हाँ एक कंडीशन ऐसी भी रही होगी, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, आपने एक लाइन करी और उसी के ऊपर एक और लाइन आ गई। सर ये वो तीनों कंडीशन को पूरी करती है, तीनों। तो अब देखें हम लोग कि एक केस में ग्राफ ऐसा बन रहा है, एक केस में ऐसा, एक केस में ऐसा, तो ग्राफ को ऑब्जर्व करके हाउ वी विल डिसाइड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो यहां पर देखिए, यूनिक का मतलब क्या होता है, ओनली वन, यूनिक को बोलते हैं वन एंड ओनली वन, उसके जैसा कोई नहीं। अपन बता ना, अरे तू यूनिक पीस है, मतलब तेरा जैसा कोई नहीं, ऐसा कई बार हंसी मजाक मस्ती में अपन फ्रेंड्स को बोलते हैं। तो आप भी यहाँ पर देखें, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर काट रही, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि लाइन ऐसे सीधी गई और वापस पलट के आ गई, पलट ही नहीं सकती बेचारी, क्योंकि लाइन को हम लोग एरो लगा देते हैं तो पलट के इसको आने का सवाल ही नहीं इसको यहाँ पर। तो दिस इज फॉर इन दिस केस फॉर यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक वन मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है, वो छोटा सा ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है, फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेता है कि कंडीशन फॉर, सॉरी, टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंडीशन, तो वहां पर कौन सी कंडीशन होगी, दैट कंडीशन इज यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। यूनिक सॉल्यूशन में लाइन इंटरसेक्ट करती है, आप जाए तो लिख ले, वो जो अपन ने चार्ट बना ना, चार्ट के नीचे यू कैन राइट कि इन दिस केस लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, यहां पर बताएंगे क्या होगा, समांतर रेखा, समांतर रेखा हो रही है, हाँ पैरेलल तो आ रही है, पर आप मुझे बताएंगे कि अपन ने जो तीन पढ़े थे यूनिक, मेनी और नो, तो ये कौन सा टाइप होगा, नो सॉल्यूशन, नो वाला, नो, ये नो वाला, दिस रिप्रेजेंट नो सॉल्यूशन, इसको दिस इज नो सॉल्यूशन, है ना। नो सॉल्यूशन क्यों, देखिए आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइन की डेफिनेशन, जब बहुत छोटे से रहोगे तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ऐसी सिखाते हैं कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इनफाइनाइट तक इंटरसेक्ट करती ही नहीं, कभी कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती ही नहीं है, तो इसलिए इसको हम पैरेलल लाइन बोलेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए, जब प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही तो उसका हल ही नहीं आ रहा है, उसका कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा उसका यहाँ पर, तो नो सॉल्यूशन, तो दिस इज फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन A1 upon A2 equals to, बोलो मैं भूल गया, हाँ, not equals to C1 upon, very good, और कौन साइड, यहाँ पर लाइन एक दूसरे के ऊपर कौन साइड कर रही है, संपाती, संपाती कर रही है, so many solution, तो ग्राफिकल मेथड में जब अपन पढ़ेंगे तो ऐसे तीन टाइप के ग्राफ आप देखोगे, और वो एक क्वेश्चन जरूर क्रॉस करता है फिल इन द ब्लैंक में या मैच द कॉलम, मैच द कॉलम आपने इधर एमपी बोर्ड में मैच द कॉलम रखता है, उधर आपने सीबीएसई में फिल इन द ब्लैंक या फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखता है, तो रिमेम्बर स्टूडेंट ज्यादातर मतलब ऐसा फ्रीक्वेंसी रहती क्वेश्चन की, वो बढ़ाता है क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड पूछता है कि भाई इसमें ग्राफिकल के लिए कंडीशन फॉर द मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन राइट द कंडीशन फॉर द इंटरसेक्टिंग लाइन, उसका क्वेश्चन वन मार्क के लिए ऐसा होता है, राइट द कंडीशन फॉर द इंटरसेक्टिंग लाइन, तो आपको लिखना पड़ेगा A1 upon इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन, और पे A1 upon A2 नॉट इक्वल्स टू B1 upon B2। यदि उसने क्वेश्चन पूछा कि राइट द कंडीशन फॉर द मिनी सॉल्यूशन, तो आप इसके बारे में लिख देंगे, है ना। तो ये आपका एक वन मार्क का छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा बाहर, दिस इज फॉर द ग्राफिकल। सब्स्टिट्यूशन के बारे में अपन देखें,
किसी को बहुत ज्यादा नींद तो नहीं आ रही है? नो सर। नो सर। अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा आप लोगों, अच्छा लग रहा आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। गुड, थैंक यू। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। सभी को आती होगी, एक सिर्फ फॉर्मलिटी कर रहा हूं आपको, नॉलेज को सिर्फ एक रिकॉल करवा रहा हूं आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सपोज करो किसी ने मेरे को एक इक्वेशन दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, एक इक्वेशन दे दी 2x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखें इसको अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। हाँ, इसमें स्टूडेंट In this method, you select, first you select one equation. कोई भी एक equation को आपको select करना। Out of these two, you select any one equation. आप free है, किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है? पर एक मेरा suggestion है कि जिस equation में x या y का coefficient 1 मिले, कोशिश करना कि उसको उसको पहले सिलेक्ट कर लेना, मतलब वहां से उस x की वैल्यू निकाल लो। और ऐसा रटना नहीं अपने को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रट के नहीं जाना मैथ्स को, बिल्कुल रटना नहीं, बिल्कुल रटना नहीं है, कंसेप्ट इक्वेशन मिलेगी तो आपको यहाँ से इन दो में से किसी एक को लेकर आपको एक इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन उठा रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन उठाता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में, x equals to 6 minus 3y। ये क्वेश्चन थर्ड मिल गई। हाँ, ये क्वेश्चन। अच्छा, एक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक नॉलेज बढ़ाने के लिए, ये बीच बीच में यदि आपको लगे तो मैं थोड़ा हल्का हल्का सा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, कि आपको मालूम होना चाहिए आगे अपन जब पढ़े। स्टूडेंट, जो x equals to 6 minus 3y है ना, अब आपने देखा होगा, अभी तक तो पिक्चर अलग है, थोड़ा सा अलग ले जा रहा हूँ। यहाँ पर आपकी इच्छा होती है y की वैल्यू 0 रखते हो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 6। किसी की इच्छा है कि नहीं सर y की वैल्यू 10 रख दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 minus 30 मतलब minus 24। आपकी इच्छा है कि नहीं y की वैल्यू तो minus 2 रखो, तो x equals to 3 2 6 और 6 plus 6 12। मतलब यहाँ पर इच्छा होती जा रही, यहाँ पर आप देख रहे इन दोनों में x और y में से, अभी आप y को उधर ले गए तो x और y में से y कैसा, आप देखिए ये दोनों वेरिएबल है, दोनों से दोनों वेरिएबल है, पर वेरिएबल्स में भी क्या होता है, इन केसेस में वेरिएबल में भी कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं जो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, कुछ वेरिएबल होते हैं स्वतंत्र चर वाले, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फ्री, जिनको कोई रोक टोक नहीं, उनकी जो इच्छा हो वो करेंगे। आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कौन स्वतंत्र है, बताओ कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बताओ। और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको परतंत्र चर बोलते हैं। आप बेचारा एक्स तो डिपेंड है, अभी देखें तो आप लोग डिपेंडेंट वेरिएबल हो, आपको मूवी के लिए देखने जाना तो पापा पापा मम्मी प्लीज प्लीज, फ्रेंड क्या जाना है, या ये कर दो पापा, ये कर दो मम्मा, ये कर दो, है ना। तो अभी आप लोग कौन से वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल, मम्मी पापा अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो वही चीज आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखें एक्स की वैल्यू रखते वाई की वैल्यू रख रहे हैं। हाँ, आप ऐसा रटना नहीं, क्या फिर से दिमाग में बोला ना, कंसेप्ट लेना, कंसेप्ट को ऐसा रटना नहीं कि वाई ही हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, ये तो मैंने ऐसा लिख दिया, हो सकता है कि मेरे को मेरा मूड होता तो मैं ऐसा भी लिख सकता था कि 3y is equals to 6 minus x, तो y equals to 6 minus x upon 3, ऐसा भी लिख सकता था मैं। तो इस कंडीशन में अब स्वतंत्र कौन हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो जाएगा, बताओ विच इज इंडिपेंडेंट, x हो जाएगा, क्योंकि आप x की वैल्यू रखोगे तो y मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इस चीज का ध्यान रखना,
तो किसी भी फंक्शन किसी भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल जब ऐसा होता है तो उनको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब मैं जो लैंग्वेज यूज करूंगा तो यहाँ पर ऐसी ही लैंग्वेज आपके दिमाग में यही डालते रहूंगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये, डिपेंडेंट वेरिएबल ये, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ते पढ़ते अपन इसके चेंज को डिस्कस करेंगे, फिर आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना? यस सर। ओके फाइन, सो अपन अपने इक्वेशन में आ जाए तो अपन लोगों ने यहाँ पर इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, उसका नाम है सब्स्टिट्यूट, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x इक्वल्स टू x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाली। अब आपका नाम है सब्स्टिट्यूशन, तो आप इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन, तो x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन, ये पूरा बराबर लिखना, आलसी नहीं करना, नंबर उड़ाते हैं टीचर्स, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपका जब फुल मार्क्स में है ना, जैसे आप 90-95-98 से ऊपर कूदे कि बहुत बहुत ज्यादा सब चीज ध्यान रखते हैं फिर कि बच्चे ने ये लिखा कि नहीं ये लिखा, सब कुछ सब कुछ, वैसे पूरी कॉपी में प्रॉपर देखना चाहिए, पूरा प्रॉपर लिखना चाहिए ना, आदत में डालो। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, ध्यान रखना अपन ने फर्स्ट को लिए तो सेकंड में रखना और सेकंड को लो तो फर्स्ट में रखना, ये चीज दिमाग में डालना। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, अब सेकंड में रख दी मैंने एक्स की वैल्यू, तो 2 देखिए 2x लिखा है, इसका मतलब है 2 × x, है ना, बार बार वो इंटू नहीं लगाएगा क्योंकि उसको मालूम है बच्चा बड़ा हो गया है, आपको 7 तक 2 × x 2 × x 6 तक लगते हो और 7th में जैसे ही आते हो कि 2x 3x ऐसा लिखना शुरू कर देते हैं, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसको बोलते हैं न्यूमरल कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट होते हैं एक्चुअल में। तो 2 × x की जगह आप क्या लिखोगे, 6 − 3y को मैंने ऐसा कैसे ले लिया, इज इक्वल टू 12, ब्रेकेट का ध्यान रखना, बहुत शांति से इसको पहले सॉल्व करो, 2 − 6y − 3y = 12, अब −6y और −3y ये हो जाएगा −9y, क्या आया, अब इसको अपन इधर ले गए −12, ये इधर हो जाएगा तो −12 हो जाएगा, तो −9y = 0, है ना, तो y = 0/−9। अरे अरे माइक म्यूट, एक चीज और ध्यान रखना बेटा हमेशा, समथिंग अपॉन जीरो जिंदगी में गांठ बांध लेना, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो करोगे नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट आता है, किसी को भी जीरो, आप वेरिएबल बोल रहे हो नंबर बोल रहे हो जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते, हाँ जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग होगा तो ये आंसर इज जीरो, है ना, इस पर अभी बहुत अंदर नहीं जाता ना तो फिर अपना टाइम चला जाएगा क्योंकि अपने लिमिटेड स्लॉट है अपने पास, कभी फुर्सत मिलेगी तो आपको अपन देखेंगे इसको भी डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पर भी। तो बेटा जीरो अपॉन, क्योंकि बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत हाई बाप में −9 लिख जाते हैं और कहीं तो इतने बड़े वाले होते हैं दे यूज टू राइट −0, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जीरो, क्या बच्चा बेचारे में जीरो यदि कुछ भी नहीं है सर, पॉजिटिव नेगेटिव एड हो गए तो भी सेम रिजल्ट, सब्ट्रैक्ट हो गए तो भी सेम रिजल्ट, ओके बच्चे। सो y इक्वल्स टू 0, अब ये जो y की वैल्यू आई ना, इस y की वैल्यू को कहां रखोगे आप, इक्वेशन नंबर, सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, x इक्वल्स 6 − 3y, 3 × 0 = 0, तो ये आपका आंसर आया, आपका सॉल्यूशन कितना आया, आपको आंसर लिखना होगा एक, मतलब स्टूडेंट रिमेंबर दिस इज कॉमन सॉल्यूशन y 0, इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द कॉमन सॉल्यूशन, ये कॉमन सॉल्यूशन है ना, इसको कॉमन सॉल्यूशन भी इसका नाम होता है। एनी कंफ्यूजन, हाँ बेटा बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो आप क्रॉस कर सकते हो पहले फिर आगे बढ़े अपन। सर जैसे आपने फर्स्ट एंड सेकंड लिखे सर,
उसमें में सर जो आपने जिसे जो x की वैल्यू इक्वल्स टू 6 माइनस 3y निकला, सर अपन इसको इक्वेशन नंबर 3 ना लिख के सर इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं भी दोगे तो चलेगा, कोई ऐसा कोई इससे कोई लॉस वाली बात नहीं, आपको परमिशन है, आप बिल्कुल लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं सर। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे आपने हमको शुरू में वो बताया ना अद्वितीय हल अनंत अनेक हल, तो इस वाली ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें आप वो भी बता दीजिए ना, जैसे जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से आप बता दीजिए कि ये अद्वितीय हल है अनंत अनेक हल है या कोई कोई हल नहीं होता तो सवाल में ना सॉल्व भी नहीं होता तो बिल्कुल बताऊंगा बेटा, वो भी कवर करूंगा है ना, बिल्कुल चिंता नहीं करो, वो कंपेयर करके ना a1 upon a2 b1 upon b2 आप हाँ, उसी का बोल रही है। हाँ मैम, हाँ सर, क्योंकि इसमें वन अपॉन टू है। हाँ समझ गया मैं, बिल्कुल I understand। हाँ मेथड के बाद, हाँ मेथड के बाद आपको वहाँ पे भी ले जाऊंगा है ना, अभी तो एक एक मेथड तो रिकॉल करवा रहा हूँ आपको और उसके बाद ले जाऊंगा वहाँ पे, बिल्कुल ले जाऊंगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद अगली मेथड एलिमिनेशन बता दूं, एक मेथड और, दो मिनट में एक मेथड और कंटिन्यू कर लूं। समीर सर जी सर, एक मेथड और कंटिन्यू कर दूं कि टाइम तो ठीक है। श्योर सर, नहीं मीटिंग बंद नहीं होगा सर, आप जब जितना टाइम चाहें लीजिए। ओके ओके सर, थैंक यू। अपना पेड अकाउंट है सर तो 40 मिनट्स का भी अपने को प्रॉब्लम नहीं है, अपन जितना देर अपने को लगेगा वी कैन कंटिन्यू इट, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। हाँ बेटा मैं एक मेथड और आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आप लोग भी थक जाओगे बहुत दिनों बाद इतनी देर पढ़ रहोगे तो। सो वन मोर मेथड है, एक मेथड अपन देखें एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। विलोपन विधि बिल्कुल सही, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन यहां पर इसको एक्चुअल में बोलते हैं एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। देखो एलिमिनेट मतलब किसी चीज को गायब करना, अब आप खुद देखें यदि ये 5x और -5x प्लस 6 लिखा है तो प्लस 5x और -5x को आप लोग कैंसिल करते आते हो है ना। अब थोड़ी सी बड़ी क्लास में आ गए, छोटी क्लास में क्या करते थे जैसे प्लस 5 और -5 हुआ तो 5 माइनस 5 जीरो करते थे, पर कहीं बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन चलता है प्लस 5 माइनस 5 आता है तो अब क्लास 10th में आके आप लोग सीधे इसको कैंसिल कर देते हो है ना। 5 प्लस 5 आया तो आप कैंसिल नहीं करते हो, 5 माइनस 5 आया तो कैंसिल कर देते हो या है ना, मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक लॉजिक एलिमिनेशन मेथड का शुरू से बैठा हुआ है कि आपको आते हैं एलिमिनेट, यदि कोई चीज को करना है तो एलिमिनेट करने के लिए पहली चीज तो क्या होना चाहिए कि दोनों टर्म ने कैसे होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, टर्म शुड बी लाइक, लाइक मतलब एक जैसी है ना। दूसरा इनके जो साइन हो वो साइन कैसे हो, अपोजिट हो, 5-5 0 होता है साइन अपोजिट होते हैं तो ही आप उसको, हाँ एक प्लस और एक माइनस तो ही आप उसको कर सकते हो, मतलब ये चीज अपने दिमाग में बैठी हुई है, बस इसको अपने दिमाग में रखना। अब अपन देखते हैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में। फिर अपन एक्सरसाइज के फिर अपन क्वेश्चन निकाल बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए एक कोई मुझे दिया है किसी ने कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये दो इक्वेशन हो गई इस पॉइंट।
अब अपन इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं. देखिए आपका जी बहुत अच्छा प्रैक्टिस, आपको एलिमिनेट करना है. पहली चीज तो एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या चीज दिमाग में रहना, या तो कुछ लोग ऐसा भी सिखाते डायरेक्ट कि टेंशन नहीं लेना, ऑलवेज इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कि हमेशा एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट करो, उसको समान बनाओ और काट दो. वो एक मेथड है कॉमन, बिल्कुल कर सकते हो और मैं भी परमिट करूंगा, परंतु अपन थोड़ा अपने नॉलेज का भी यूज करें. अपन थोड़ा पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा है, तो अपन ने एलिमिनेट करते वक्त तो करने के पहले जब भी इक्वेशन को एलिमिनेट करें तो ये देखें कि दोनों इक्वेशन में ऐसा कहां आ रहा है जिसमें एक में प्लस और एक में माइनस. सेकंड वाई एक में प्लस एक प्लस और एक माइनस आता है, तो अपन उसके कोएफिशिएंट को अपन नेगेटिव करेंगे, उसके कोएफिशिएंट को अपन सेम कर देंगे, है ना. आप इसमें क्या करेंगे, इनको दोनों को बराबर करके काट देंगे. और जिसको नहीं समझ में आ रही यार ये कौन इतना सोचे और क्या करे, तो एक कॉमन मेथड बता रहा हूँ, और जिसका बहुत अच्छा नॉलेज हो, थोड़ा सा अच्छे कंसेप्ट हो, तो आप क्या करें यहाँ पर, हालांकि इस इक्वेशन को अभी आप टू से डिवाइड कर सकते हैं, छोटी बना सकते हैं, या तो अपन इसमें टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देखो यहाँ टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू टू सा फोर बन जाएगा, प्लस फोर और माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा, वो कट जाएगा. तो एक तो वो मेथड है जिस जो अच्छा कॉन्फिडेंट है, जो मतलब जिसके प्रैक्टिस है, और जिसके प्रैक्टिस नहीं है टेंशन नहीं लेना, कह रहा है मैं कैसे करूंगा और कैसे सोचूंगा, तो वो कॉमन मेथड बताता हूँ उन लोगों के लिए. आप लोग दूसरे भी सीख सकते हैं. अपना एक ही एम होता है कि वेरिएबल को हटाना, ये अपना एम है. तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स को उड़ाएंगे, एक्स को कैंसिल करेंगे, तो एक्स का कोएफिशिएंट यहां देखे तो क्या आ रहा, टू आ रहा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो. यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ रहा, थ्री आ रहा, इसका मल्टीप्लाई कर. तो यहां पर जो आएगा, ध्यान रखना जब मल्टीप्लाई करें तो यू टेक ओनली न्यूमरल, न्यूमरल मतलब नंबर को लेना, साइन को मत लेना. माइनस टू आया तो ऐसा नहीं सोचना माइनस टू का मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ नंबर का मल्टीप्लाई करना. मल्टीप्लाई करने के बाद हाँ अपन करते ना, हाँ हाँ इस केस में ना, और वाले केस में तो डायरेक्ट कर सकते थे. हाँ, कॉमन नंबर दोनों हाँ, प्लस में हाँ मल्टीप्लाई टू इन इक्वेशन वन एंड थ्री इन इक्वेशन टू एंड सब्ट्रैक्ट, उनको माइनस करना है, घटाना है. टू थ्री जा सिक्स एक्स, टू फोर जा एट वाई, ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स एक्स. बस बेटा कहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, बंद करो बंद करो, ये दुख नहीं तो भारी पड़ जाएगा. कर दिया सर, मैंने म्यूट कर दिया. नहीं उस बच्चे को भी मतलब जो भी पढ़ रहा है उसको भी कहना. बेटा आप लोग भी मतलब एक रिक्वेस्ट करिएगा अपने पेरेंट्स को भी, आप बोलिएगा कि पेरेंट्स यदि आसपास हो तो आप प्लीज आप सभी सुने कि आपके बच्चे जब भी क्लास से पढ़ रहे हो तो आप जितनी देर भी पढ़े कम से कम पांच से छह राउंड बीच बीच में आप लगाते रहे. प्लीज आप देखते रहे कि वाकई में लिख रहा है या पढ़ रहा है कि नहीं. तो सारे पेरेंट्स जो नहीं सुन रहे थे यार, बेटा आप अपने पापा मम्मी को बोलिएगा, तो उनको बुला के पास में बुला के स्पीकर ऑन कर दो. तो मेरी रिक्वेस्ट है आप पेरेंट्स से कि प्लीज आप अपने बच्चों को ये पढ़ते रहे तो चार पांच राउंड तो आप बीच बीच में लगाते रहे आप प्लीज. इनको बिल्कुल आप वॉच करिएगा बच्चों को, और तो थोड़ा ठीक रहेगा. कॉपरेशन चाहिए आपके तरफ से भी. ओके बेटा, तो अब अपने ये सेम कर दिया, कोएफिशिएंट को सेम कर दिया. अब अपने को अपोजिट साइन करना, मैंने क्या वर्ड यूज किया, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन दूसरे ब्रैकेट के चेंज होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा. अब आपके लिए ये नए साइन हो गए, इन दोनों को काट दो. हाँ. दोनों कट गया. अब देखिए 8y और 6y, 8 प्लस 6 14 14 y, 20 में से 6 जाएगा 14 बचेगा. 14 y is equal to 14 upon 14 y बराबर 1 y बराबर 1. ये मेथड सबसे आसान है. मतलब मेरा यही सजेशन है कि जब भी कॉमन नहीं लिखा हो तो इसी को लगा दिया करो.
अब वाई की वैल्यू को आप फ्री हो यहाँ पर कहीं भी रख सकते हो. क्वेश्चन वन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन तो 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह 1 इज इक्वल्स टू 10 तो 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10 तो 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 4 तो 3x बराबर 6 6 x बराबर 6 अपॉन 3 अपॉन 2 x बराबर 2 वेरी गुड. तो ये आपका आंसर आया x2 और y1. एनी कंफ्यूजन इन एलिमिनेशन मेथड? नो सर. हाँ तो चलिए अब मैं सोचता हूँ कि अपने को दो मेथड आपके लिए एक काम दे रहा हूँ. आप अपनी एक्सरसाइज से एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आप प्लीज कल करिएगा, करके रखना. जो भी डाउट आए मुझसे कल पूछना. अभी प्रॉब्लम सम मैं आपको बताऊंगा, स्टोरी सम जो आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कैसे फ्रेम करना है ना. और कल ध्यान रखना कल के लिए 5:30 बजे का, हालांकि सर आपको लिंक भेज देंगे, टाइम 5:30 का सिर्फ कल के लिए रख रहा हूं मैं. नहीं तो अपना यूजुअल जो संडे का सर ने आप लोगों को बोला था कि मॉर्निंग का टाइम रहेगा वो रहेगा, थोड़ा कल के लिए टाइम में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. तो 5:30 बेटा आप सबको रहेगा, और टाइम का जो भी रहेगा तो सर लिंक भेज देंगे, तो उसी लिंक से अपने को ज्वाइन करना. सर आप यदि कुछ बच्चों को बोलना हो तो आप प्लीज बोल दें जो भी. सर थैंक यू. बच्चों आपको मैं लिंक भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो कल 5:30 सर अवेलेबल रहेंगे, तो आप लोग 5:30 भी ज्वाइन कीजिए. सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो आप बेनिफिट लीजिए सर का. सर टाइम डोनेट कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो हमें सर के टाइम का जितना ज्यादा हम एडवांटेज ले सकते हैं उतना लेना चाहिए. यस सर थैंक यू सर. थैंक यू सर. गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट.